देवास में शासकीय स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ टॉयलेट में छेड़खानी की घटना की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसमें प्राथमिक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा का हाथ पकड़कर एक बदमाश उसे स्कूल के बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। संयोग से शिक्षकों व स्कूल बच्चों की जागरूकता से बालिका बच गई। औद्योगिक थाना पुलिस रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर क्षेत्र में कान पकड़कर व उठक बैठक लगवाकर आरोपी का जुलूस निकाला। जब जुलूस निकाला जा रहा था तब महिलाओं में उसे लेकर काफी गुस्सा था। आरोपी रास्ते भर महिलाओं के पैर पड़ता रहा, वो गुहार लगा रहा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। पुलिस ने स्कूल के सामने भी उससे उठक बैठक लगवाई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, क्योंकि आए दिन बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते लोग डरे हुए हैं। जिले में ऐसे कई सरकारी स्कूल है जो सुरक्षित नहीं है। अमूना की घटना के बाद एक बार फिर स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। औद्योगिक पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमूना के प्राथमिक विद्यालय में शनिवार शाम आरोपी जोरावर सिंह अचानक घुस गया। उस समय पालक अपने बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए आए थे, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी भी स्कूल के अंदर घुस गया। अंदर घुसा आरोपी जोरावर सिंह स्कूल में पीने वाली 10 वर्षीय बालिका का हाथ खींचकर उसे स्कूल के टॉयलेट में ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर अन्य बच्चों ने शिक्षकों को सूचना दी। शिक्षकों की सजगता से बालिका बच गई। तुरंत पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। एनपी न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट।